ਹੋਈ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਾਰ ਦੇਖੇ ਹੋਈ इंडिया की लार्जेस्ट मार्केट है यहाँ पे मार्बल की, मतलब हर किस्म का मार्बल मिलता है यहाँ पे। राजस्थान की खासियत है कि रात को ठंडा तो दिन को गर्म। शायद भाई मामे बैठा है भाई, मामा बैठा है भाई, मामा मतलब आटे बैठा है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफटीसी व्लॉग 0036। तो भाई जैसे कि आप सबको मालूम है पिछले ब्लॉग जिसमें देखा होगा, हम रुक गए थे किशनगढ़ से पहले गुजराती होटल गुजरात, तो यहाँ से कर रहे हैं अपना सफ़र दोबारा स्टार्ट। हम सो इसलिए किए गए थे, हमको मालूम था कि हम अपने मंजिल तक नहीं पहुँचेंगे तो क्या फ़ायदा है रात को मतलब चलने का। तो अभी रात के बज चुके हैं 3, मतलब 2 बज चुके हैं, तो 2 बजे हम उठे थे, 3 बज चुके हैं, हाथ मुँह धोए, चाय वगैरह पी, तो नींद में नहीं चलते हुए अकेला हूँ चलाने में, तो इसलिए हमने फैसला लिया था कि हम यहाँ पे सो रहे हैं। तो सभी गाड़ियाँ यहाँ पे मतलब रुकी हुई हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये अपनी गाड़ी है सामने, और बहुत ही अच्छा ढाबा यहाँ पे, हर कोई गाड़ी आके रुकती है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, चौकीदार 24 घंटे है, हर एक चीज़ मिलती है। साथ में ये पंप है HP का, बहुत ही बढ़िया, तो बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ पे। ये आता है अपना किशनगढ़ से पहले कोई 50 किलोमीटर पहले, और मतलब जैसे जम्मू की तरफ से आओगे आप पंजाब की तरफ से, तो लास्ट पर्ची जब आप अपनी वो 2665 वाली फाइनल हो जाएगी उसके बाद ये ढाबा आएगा कनेक्टर साइड लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे आके अच्छा मौसम था सोने का, दिन को तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो हम सो गए थे यहाँ पे तकरीबन रात 9-9:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे। तो फिर हम सो गए थे यहाँ पे, अभी हम कर रहे हैं अपना सफ़र कंटिन्यू, मस्त चलेंगे दिन को थोड़ा जितना भी चल पाएंगे, फिर जब गर्मी आएगी तब दोबारा साइड पे लगा देंगे। कल तो फाइनल हम अपने जगह पहुंचने वाले हैं, जहाँ भी हम जा रहे हैं बताया नहीं आपको, कल आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम कहाँ जा। हाँ जी भाई, चल पे अपने रास्ते पे, कर रहे हैं अपना सफर स्टार्ट। तो भाई पहुंच चुके हैं हम लोग किशनगढ़ फ्लाईओवर के पास। अगर आप ना फ्लाईओवर के नीचे से जाओगे सीधा पार करके किशनगढ़ सिटी, तो हमने लेना यहाँ से लेफ्ट अपना नसीराबाद की तरफ को, तो अगर राइट लेंगे पुल पार करके तो जाएंगे अपने अजमेर शरीफ दरगाह पे, वो रास्ता ब्यावर वगैरह सब मतलब निकल जाता है, उदयपुर वगैरह हो गए, तो हमने जाना नसीराबाद साइड को, तो यहाँ से ले लिया हमने लेफ्ट साइड, और आगे आएगी थोड़ा सा चल के ट्रक मार्केट। ये इंडिया की लार्जेस्ट मार्केट है यहाँ पे मार्बल की, मतलब हर किस्म का मार्बल मिलता है यहाँ पे। तो भाई पहुँच चुके हैं हम किशनगढ़ ट्रक मार्केट पे, यहाँ पे तकरीबन हर किस्म की गाड़ियाँ रुकती हैं यहाँ पे, अपना चित्तौड़गढ़ से आने वाले भी रुकेंगे, अजमेर साइड से आने वाले भी रुकेंगे, जम्मू साइड से आने वाले भी रुकेंगे, और जयपुर दिल्ली साइड से भी आने वाले रुकेंगे। मतलब जिसको रेस्ट करनी हो वो भी रुकता है, जिसको कोई सामान वगैरह लेना है वो भी रुकता है। ये मार्केट है, दिखा रहे हैं अभी हम आपको मस्त। नसीराबाद को यहाँ से घूमेंगे भाई, जयपुर टोल रोड को छोड़ेंगे और नसीराबाद वाला पूरा गोल अंडा घूमेंगे। तो चलो भाई घूमते हैं।
पुल के ऊपर वो रहा नीचे मार्केट। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल भाई। एक बार फिर तो करते हैं थानू गुड मॉर्निंग। ते ब्लॉग ते अपना स्टार्ट हो चुकिया सी जी रात 2 बजे। ते कर रहे हैं अपना सफर रही कंटिन्यू। अहमदाबाद रह गया तो 491 किलोमीटर, बंबे कुछ साल पढ़िया नहीं किन्ना है। ते इस टाइम आई भीलवाड़ा पुजना ले आ। सवेर का व्यू देखो राजस्थान का, मौसम देखो कितना ठंडा ठंडा है। दोपहर तक धुप निकल आनी है बड़ी जबरदस्त, जिस तरह ही सूरज निकलेगा गर्मी तेज हो जाएगी। ते राजस्थान की खासियत है कि रात नू ठंडा ते दिन नू गर्म, लालो साहब दोए मतलब दोए कारवाई करता है राजस्थान। मिलांदिया थानू हूं बई राजस्थान के 6 लेन रोड से आए इस टाइम। देखो जी चल रहे 6 लेन रोड से, जायज लगा है भाई अपनी रील्स में बिजी। तो देखिए सुबह सुबह का व्यू, चुके हैं 8:30 और ली है हमने पहली ब्रेक और करेंगे यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट होटल तरंगा। दिखाते हैं अभी आपको, ये है भाई होटल तरंगा, यहाँ पे हम रुके हैं, यहाँ पे खाएंगे हम खाना और ब्रेकफास्ट करेंगे। रात को 2 बजे उठे थे तब से चल रहे हैं, चित्तौड़गढ़ के पास पहुँच चुके हैं हम। ये हमारी गाड़ी है, देंगे साथ परौंठा, जायद खा गया सारा का सारा। भाई खाना खुना खा के चल पड़े हैं हम, दोबारा सफर रह गया हमारा यहाँ से 450 किलोमीटर जहाँ पे हमने जाना है। आप लोगों को अभी तक मैंने बताया नहीं कहाँ जाना है, पर अभी भी नहीं बता रहा हूँ कि कहाँ जाना है। तो पहुँच गए हम चित्तौड़गढ़ टोल पे, पहुंच गए चित्तौड़गढ़। तो ये है चित्तौड़गढ़ ट्रक मार्केट, मतलब ट्रकां दे ड्राइवरां दे हिसाब दा हर कोई समान है, यूरिया है अपना, राशन वगैरा है, कहना सिलेंडर वगैरा भरा सकते हो, हर कुछ मतलब हर किस्म जुत्तियां, सब तो ज्यादा जुत्तियां दे नाम दे मशहूर है जी ये। तो साढ़े कोल टाइम नहीं है, नहीं तो थले उतर के तुहानू मार्केट का दौरा कराते। भाई यहाँ से जाता है अपना कोटा निमिच नंबियाड़ा एमपी को रास्ता, और हम जाएंगे सीधा बम्बे वाले रोड पे। तो यहाँ से उदयपुर है कम से कम भी 100 किलोमीटर तो होगा, 115-100 किलोमीटर। तो इसको रास्ते को कर रहे हैं इस बार भाई हम, इस बार हम जा रहे हैं बम्बे वाली साइड पे। बम्बे ही तो नहीं जाएंगे, चलो कल फाइनल हम आपको बता देंगे, कल वाले मतलब जो उसके आगे वाला ब्लॉग आएगा परसों आपको मालूम पड़ जाएगा। कल आप ये जिस वक्त ये ब्लॉग देख रहे हो आप सोच रहे हो आगे शायद भाई मामे बैठा है कोई, मामा बैठा है कोई, मामा मतलब आरटीओ बैठा है। देखो भाई कार का एक्सीडेंट किधर की किधर जा पहुंची है कार, देखे भाई स्लो चलना चाहिए भाई, अपनी कंट्रोल में गाड़ी चलाएं जितने भी मतलब अपनी जो बंदा गाड़ी को कंट्रोल कर सके, ये ना होगे कंट्रोल करने दी
क्षमता जी थी हो 40 की तुम चलो 80 की बाद फिर एक्सीडेंट ही होने और की होगा। इस तू बेहतर है कि मजे न चलो जिते घंटा पहला पुजना 2 घंटे बाद पुज जाओ कोई चक्कर नहीं कोई फर्क नहीं पैंदा। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾੜਾ ਮਾਰ ਲਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਉਹ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਸਟਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਾਓ ਚਲਦੇ ਰਹੋ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀਓ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਈ ਸੇਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪੇ। इस टाइम भाई हम लोग उदयपुर पार करके मतलब बाईपास उदयपुर बाईपास में तो गर्मी हो चुकी है बहुत ज्यादा तो चल रहे हैं अभी आस्ता आस्ता देखते हैं कहीं छाए वगैरह वहां पे लगाते हैं गाड़ी साइड पे फिर सोते हैं करते हैं रेस्ट। बाईपास बहुत बिजी बाईपास है भाई। उदयपुर कर लिया हमने पार और उदयपुर जैसे आप लोग पार करोगे ना आपको आ जाएगी उतराई डॉन उतरना पड़ेगा और डॉन उतरना पड़ेगा तो मतलब आपको गियर भी डॉन करना पड़ेगा क्योंकि ये डॉन है ये बड़ी पातू डॉन है। इस वास्ते इनू हल्का गियर ला के नहीं बल्कि भारा गियर ला के तुआर जाए गड्डी ताकि एमरजेंसी कि ब्रेक लानी हो बंदा गड्डी रोक सके एमरजेंसी रोकनी हो तो रोक सके। अगर तो ये हल्का गियर पा के चलोगे तो भाई चक्के गर्म होंगे बार बार ब्रेक मारने कंट्रोलर का जरा है वो ज्यादा तो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है उतराई च क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है तो उतराई भी है तो पिछे वजन भी है। चलो अपना वजन तो मतलब टोटल 12 ही टन है पर फिर भी जी गड्डिया पूरा 25 टन माल पा के उतर दया 12 डेरिया उन्होंने वास्ते रिस्की काम है डॉन के मतलब ज्यादा स्पीड न उतरना या ज्यादा तेजी हल्के गियर न उतरना मतलब बड़ा ही मुश्किल होता है जी। इसलिए स्लो ड्राइविंग अपने कंट्रोल च जिदा मैं पहले भी किया ये गड्डी है जी अपने कंट्रोल च। उदयपुर से आगे बहुत ज़्यादा मतलब 20-30 किलोमीटर आगे आगे बहुत गर्मी थी तो हमने लगा दी गाड़ी साइड पे। ये खड़ी है अपनी गाड़ी यहाँ पे देख सकते हो आप इतनी गर्मी पड़ रही है रोड पे कि गाड़ियाँ अब चलने लगी हैं तो अभी लगी है भूख खाएंगे खाना हम यहाँ पे खाना खा के फिर उसके बाद थोड़ा और रेस्ट करेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से क्योंकि तकरीबन गाड़ियाँ सब खड़ी हैं रोड इतना मतलब गर्मी से इतना हो रहा है ना कि सोचा चलो करेंगे रेस्ट फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से खाना खुना खा के। तो चलो भाई खाते हैं खाना। हाय फ्रेंड्स तो शाम के बज चुके हैं 6 अब जाके मौसम कहीं ठीक हुआ है तो कर रहे हैं अपना सफर स्टार्ट।
ਫਾਟਰ ਸ਼ਾਟਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਖੱਬੇ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮਲਾ ਜੀ ਮੜਾਸਾ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਮੜਾਸੇ ਮਨੂਸੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਖੱਬੇ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੇ ਤੋ ਭਾਈ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਮੜਾਸਾ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਟਲ ਬਿਸ਼ਰਾਮ ਮਤਲਬ ਮੜਾਸਾ ਹੀ ਯਹਾਂ ਸੇ ਮੜਾਸਾ ਹੈ ਟੋਟਲ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋ ਕਰੇਂਗੇ ਇਸ ਬੁਲਾਕ ਕਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਐਂਡ ਹਮਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਬ ਟੋਟਲ ਮਤਲਬ ਜਹਾਂ ਹਮਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਹਾਂ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਮਾਰਾ ਟੋਟਲ 100-150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋ ਚਲੋ ਭਾਈ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਸ ਬੁਲਾਕ ਕਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਐਂਡ।